india has changed enormously in the last decade. there are more than 1,600 global capability centers in india uh, that generate about $120 billion worth of business every year. not only seeing uh, people buying groceries, but also being very impressed by your up unified payments interface, a digital instant payment system. It ये बहुत बड़ी बात है कि जर्मनी अपने एम्बेसडर्स जो पूरी दुनिया में डिप्लॉयड हैं उनसे बात करने के लिए या उनके सामने एक व्यू रखने के लिए कि इंडिया क्या सोच रहा है उसको बुलाया गया उन्होंने व्लाडी सिटी में एक डायलॉग जो कि थिंक टैंक के अंदर वो बातचीत रहे थे वहां पर और उसमें उन्होंने तीन कंट्रीज के नाम लिए हैं कि जो रशिया और यूक्रेन वॉर को खत्म करा सकते हैं और ये कहा गया है कि भारत वो कंट्री है कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच पीस टॉक्स एंड पीस डील करवा सकता है यानी आज का शुगुफा शुकु, सुनाऊ हाँ। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को अफगानिस्तान से तालिबान उठा के ले गए किडनैप करके ले गए पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हाँ। हैं उनको पीछे बैकअप के लिए जो दूसरी फोर्सेस गई हैं उनको बीएलए वाले बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले उठा के ले गए मुझे बताओ इंडिया कैसा कंट्री है जो हमारा नेपर कंट्री है उसके बारे में हिंदुस्तान कैसा कंट्री है पता ही नहीं है पता ही ठीक है।, है।, नहीं नहीं है? में। में। में है चले ये, ये है और हैं इंडिया और उसके बाद जिनके बारे में हसीना वाजिद कहती है छोटे कद का मैन इन्हीं के बारे में तो हसीना वाजिद यानी अब जितने भी बड़ी ताकतें हैं दुनिया के अंदर उनको इकट्ठा कर लिया और कह दिया है कि भाई तुसा वही बोलना है जो कह रहा है तो आपने कुछ और नहीं बोलना ठीक है नमस्कार दोस्तों जय हिंद केंद्रीय मंत्री जयशंकर जर्मनी में तीन दिन के दौरे पर हैं उन्होंने जर्मन सांसद के विदेश मामलों की समिति के चेयरमैन माइकल रोथ से मुलाकात की दोनों के बीच मौजूदा वैश्विक चुनौतियों और नए बायलैटरल ऑपरेशन की संभावनाओं पर चर्चा हुई जयशंकर सऊदी अरब से जर्मन पहुँचे जर्मन सांसद से बातचीत को लेकर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी केंद्रीय मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि माइकल रोथ से मिलकर खुशी हुई हमने भारत जर्मनी के बीच मौजूदा वैश्विक चुनौतियों और नए बायोलेटरल सहयोग की संभावनाओं पर बात की उन्होंने मंगलवार को बर्लिन में आयोजित मोनिक सुरक्षा सम्मेलन में विदेशी मामलों और सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ बातचीत की जयशंकर ने बताया की इस सम्मेलन में भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक समानता पर विचार का आदान प्रदान किया गया उन्होंने सांसद के सदस्यों से भी मुलाकात की इससे पहले जयशंकर ने अपने जर्मन समकक्ष एनालेना बैपक के साथ व्यापक चर्चा की दोनों ने व्यापार रक्षा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी पर बात की दोस्तों भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जर्मनी में है और बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि जर्मनी हर साल एक हेड ऑफ जर्मनीज मिशन जो होते हैं उनको बर्लिन बुलाता है और उनको बताता है कि जो फॉरेन पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या हैं और उस कॉन्फ्रेंस में जो जर्मन एम्बेसडर्स होते हैं या कौंसलेट्स में लोग होते हैं या जर्मनी के लोग जो इंटरनेशनल में होते हैं उनको तीन चार दिन रखा जाता है जर्मनी के अंदर ताकि उनको बताया जाए कि जर्मनी अब क्या सोच रहा है उसमें इंडिया के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं उनको एज ए गेस्ट बुलाया गया ये बहुत बड़ी बात है कि जर्मनी अपने एम्बेसडर्स जो पूरी दुनिया में डिप्लॉयड हैं उनसे बात करने के लिए या उनके सामने इन एक वर्ल्ड व्यू रखने के लिए कि इंडिया क्या सोच रहा है उसको बुलाया गया ये एक बड़ी एक्स्ट्रोर्डनरी चीज होगी कि ठीक है मुल्क समिट करते हैं पाकिस्तान में भी ये समिट होती है मुझे पता है जो इंपॉर्टेंट कैपिटल्स में लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है और बताया जाता है कि हुकूमत क्या सोच रही है क्या करना है किस तरह की चीजें हैं इंडिया के अंदर भी होती है पूरी दुनिया के अंदर ही एक चीज चलती है लेकिन किसी दूसरे मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाना और कहना कि हमारे सफीरों से बात करो ये थोड़ी सी मेरे लिए एक जिसे कहते हैं ना अचंबे की बात थी बहरल जारी बात है अब जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़ी खुल खुला के बातें की हैं और डॉक्टर जयशंकर ने भी बहुत खुल के बोले हैं लेकिन एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है वन इंडिया विल मीट डेमोक्रेसीज इट विल यू नो start talking about its democracy when india will meet autocrats in middle east it will start talking about people prosperity growth or is there because लेक्चरिंग पसंद नहीं है जैसे इंडिया कहता जी ठीक है आपके पास जो भी है हम आपको इंटरफेयर करने को तैयार नहीं है लेकिन जिधर हम जो मुरीद वालों के पास जाएंगे डेमोक्रेसी वालों के पास जाएंगे वहां डेमोक्रेसी की बात करेंगे बहरहाल जो जर्मन फॉरन मिनिस्टर हैं बहरबॉक जो हैं उन्होंने ये कहा है कि हमारा इंडिया के साथ जो कोऑपरेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी एज एन इकोनमी और हम इंडिया को रिलायबल पार्टनर समझते हैं पर्टिकुलरली सिक्योरिटी क्लाउड के अंदर और यही वजह है वो कहते हैं कि इंडियन और जर्मन नेवी जो है वो बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी इकट्ठे एक करते हैं अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं आई थिंक ये फॉरेन मिनिस्टर ही थी तो इनसे जब एक तरह सवाल किया कश्मीर के ऊपर तो इन्होंने वही जवाब दिया जो जर्मनी जर्मनी माजी में दिया करता था और कहता था कि हम इसका सलूशन चाहते हैं और इंडिया और पाकिस्तान बैठ के मिल के बैठ के बात करें और उस वक़्त तब बिलाल भुटो सरदारी गए हुए थे तो यही फ़ॉरन मिनिस्टर जो थी बर्लिन में थी तो हुआ क्या, कि इंडिया ने शोर डाल दिया नहीं, 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 नहीं ये इनको गलत शामिल लगी है इस तरह नहीं है उस तरह नहीं है देन फिर इस मिनिस्टर को लफ्ज वो 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 वापस लेने पड़े बहरअल ये एक इंटरेस्टिंग चीज है इंडिया ने अब जितने भी बड़ी ताकतें हैं दुनिया के अंदर उनको इकट्ठा कर लिया और कह दिया है कि पाएस वही बोलना जो कह रहा है जो तो रहे हैं है आपने कुछ और नहीं बोलना ठीक है यूक्रेन, गजा इंडो पैसिफिक यू एन रिफॉर्म्स इंडिया के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू एन रिफॉर्म्स और वो जितने भी ये जख्मी मुल्क हैं लाइक जर्मनी बिकॉज जर्मनी हो जापान हो ब्राज़ील हो ये बड़े मुल्क जो हैं ब्राज़ील क्योंकि साउथ अमेरिका में बड़ा मुल्क है तो उसके इट हैजैट से इसी तरह एशिया के अंदर जापैन है यूरोप के अंदर जर्मनी है तो वो ये कह रहे हैं कि हम सारे के सारे we have to go for the reforms in the united nations and we need to get the seats as a permanent members uh, of the uh, un security council. but uh, the question is, uh, being a permanent member of the un security council, purely depends on your ability to influence international system. Putin has his उन्होंने व्लाडिवास्टोक सिटी में एक डायलॉग जो कि थिंक टैंक के अंदर वो बातचीत कर रहे थे वहाँ पर और उसमें उन्होंने तीन कंट्रीज़ के नाम लिए हैं कि जो रशिया और यूक्रेन वॉर को ख़त्म करा सकते हैं जो पीस डील हो सकती है जिनके थ्रू जो मीडिएटर का रोल प्ले कर सकते हैं और उसके अंदर पहला नाम इंडिया का है की तरफ से इंडिया को बैक किया गया है इंडिया को सपोर्ट किया गया है और यह कहा गया है कि भारत वो कंट्री है कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच पीस डील करवा सकता है यानी जंग खत्म करवा सकता है कोई कंट्री तो वो इंडिया है और फिर उन्होंने और बातचीत करते हुए कहा कि इससे पहले रशिया और यूक्रेन के बीच एक पीस टॉक्स हुई थी अब प्रेजेंट बुटन ने बहुत सारी बातें खोली अपनी टॉक्स के अंदर और क्योंकि ये टॉक उस वक्त सामने आई है उनका ये कहना कि इंडिया ये काम करवा सकता है कि जिस वक्त अभी मोदी साहब होकर आए तो फिर इससे ये लगता है कि ये पूरा एक जो है ना वो बनता हुआ नजर आ रहा है ये टाइम ऐसा है कि ऐसा शायद हो जाए पॉसिबिलिटी है कि पोटेंशल पीस टॉक्स या पोटेंशल पीस डील हो जाए और उसमें आपको इंडिया का नाम नजर आया लेकिन उन्होंने दो कंट्रीज के नाम और भी लिए उन्होंने कहा है इंडिया एंड ब्राजील कुड एक्ट एज मीडिएटर्स इन पोटेंशियल पीस टॉक्स ओवर यूक्रेन एंड रशिया और साथ में उन्होंने चाइना का नाम भी लिया ये तो दो नाम लिए हैं इंडिया एंड ब्राजील और साथ में चाइना इंडिया ब्राजील एंड चाइना तो देखिए आपको पता है कि अभी कुछ अर्सा पहले असल में अगर ये काम कोई करवा सकता है तो वो इंडिया ही है क्योंकि चाइना और रशिया के तो अभी मेल मिलाप स्टार्ट हुआ है ना यानी जो करीबियां, कुर्बते और नजदीकियां हैं रशिया और चाइना की वो किसी वजह से हैं